अधिवक्ता सुनील शर्मा हत्याकांड में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलित उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय चौधरी ने अपने ऐलान के अनुरूप दिनांक 7 मार्च भाजपा SC सम्मेलन की जनसभा के सामने काला कोट लहराकर योगी पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करता देख पुलिस ने अजय चौधरी सहित सभी अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। अधिवक्ताओं की माने तो योगी सरकार की पुलिस की मनमानी का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जनमंच के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि अधिवक्ता सुनील शर्मा के हत्यारों की गिरफ्तारी न कर पुलिस अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी कर न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक अधिवक्ता सुनील शर्मा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती यह न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। दिनांक 11 मार्च दिन सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में बैठक कर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच, जनमंच ने कल घोषणा की थी सुनील हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी अगर आज तक अगर नहीं होती है तो हम जो आज आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और मुख्यमंत्री योगी जी का आगमन जो हो रहा है हम उसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के तहत आज जोरदार तरीके से जनमंच ने सुप्रीम कोर्ट परिसर आगरा के जो पुलिस द्वारा जो छावनी बना दिया गया था उस घेरे को तोड़ते हुए सभा स्थल पर पहुंचे और सभा स्थल पर जाकर के जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, काला कोट लहराया। विरोध के स्वरूप में गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तीव्र होगा। अब देखिए कितनी विडंबना की बात है, अरे जिन हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और हम विरोध कर रहे हैं, हमारी गिरफ्तारी कर ली गई। सभा स्थल से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर के ट्रांसमना थाने में हमें रखा गया। सिविल कोर्ट परिसर आगरा में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस इतनी दबाव में आई, दबाव के चलते हुए पुलिस को हमें ला करके सिविल कोर्ट परिसर में छोड़ना पड़ा। बैठक हुई और उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया सुनील शर्मा के हत्यारों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो यहाँ जो भी सभाएं होंगी, जो भी कार्यक्रम होंगे वहाँ विरोध प्रदर्शन होगा और परिसर में सोमवार को बैठक बुलाई गई है आम सभा की, उसमें आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी कि आंदोलन की प्रभावी रणनीति क्या हो। आंदोलन जब तक निरंतर जारी रहेगा जब तक सुनील शर्मा के दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती।